नमस्कार। नवादा पृथ्वी दिवस है पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। आज नवादा जिला के हिसुआ में बिहार विधानसभा सचेतक सत्तारूढ़ दल के एवं हिसुआ विधानसभा के विधायक श्री अनिल सिंह ने पृथ्वी दिवस के मौके पर हिसुआ प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में वीडियो आवास में CO आवास में नगर पंचायत के न्यू भवन में करीब सैकड़ों पेड़ लगाए। उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी जो वृक्ष लगाई। इस अवसर पर भाजपा विधायक अनिल सिंह ने प्रदेशवासियों को पृथ्वी दिवस की शुभकामना दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई प्रकृति में असंतुलन पैदा कर दिया, जिसके कारण अतिवृष्टि और अनावृष्टि का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रकृति में असंतुलन से मानव ही नहीं जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा आज का पृथ्वी दिवस मिल का पठार साबित होगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि मानव और जीव जंतु के जीवन को बचाने के उद्देश्य से एक पौधा अवश्य लगाए। MI प्लस न्यूज से संवाददाता रंजीत कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर संपूर्ण बिहार वासियों को मेरी ओर से शुभकामना। और आज पौधारोपण का कार्यक्रम मैं और मेरे साथ अंचल अधिकारी हिसुआ हम लोगों ने किया है, और यह कार्यक्रम आज पूरे बिहार में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पृथ्वी का। आज पर्यावरण के असंतुलन के कारण कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कभी अत्यधिक गर्मी, और इन सब के कारण जो पर्यावरण में असंतुलन हुआ है उसका प्रतिकूल असर पृथ्वी पर पड़ रहा है। आज ऑक्सीजन के मामले में पेड़ों की कटाई बहुत सारी हुई और लगाया नहीं गया, उसके कारण आज व्यापक रूप से पृथ्वी पे मानव के अलावे तमाम जीव जंतु आज प्रभावित हो रहे हैं। इस बिहार पृथ्वी दिवस का आज जो अवसर है, ये आने वाले दिनों में पर्यावरण संतुलन में यह मील का पत्थर साबित होगा। और हम तमाम लोग से अपील और आग्रह करते हैं कि आज बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर संपूर्ण प्रदेशवासी संकल्प लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, कम से कम एक पौधा तो हर व्यक्ति अवश्य लगाए। यह मेरा अनुरोध होगा, निवेदन होगा। और यह पौधा सिर्फ पौधा लगाने के लिए नहीं, यह पर्यावरण के संतुलन के लिए है। तमाम मानव सहित सभी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए ऐसा मानते हुए, ऐसा समझते हुए लगाएं। मेरा यही सबसे आग्रह होगा, अनुरोध होगा, और मेरी पूरी पूरी शुभकामना लोगों के साथ होगी। और आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस पृथ्वी के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए लोग ऐसा करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद।